हे दोस्तों, तो कैसे हो सभी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2020 के सबसे पतले और सबसे हल्के स्मार्टफोन के बारे में। आई एम टॉकिंग अबाउट ओप्पो F17 प्रो। ये स्मार्टफोन 2 सितंबर को इंडिया में लॉन्च होने वाला है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। बट उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो हे दोस्तों, मेरा नाम है गुरमीत, यू आर वॉचिंग टेक एडवाइज एंड वेलकम टू द स्पेशल वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन के बारे में, विच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग आई विल से। तो ओप्पो F17 प्रो में आपको बैक साइड पे स्क्वायर कैमरा कटआउट देखने को मिलने वाला है, ग्लास बैक होगा, और यहाँ पर भी आपको कुछ अतरंगी कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, विच इज मैट ब्लैक, मैजिक ब्लू एंड मेटेलिक व्हाइट। अगर फ्रंट साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको 6.43 इंच की फुल HD सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी विद पंच होल सेल्फी कैमरा। और बताया जा रहा है कि ये स्मार्टफोन सिर्फ और सिर्फ 7.48 mm थिन होने वाला है। वहीं जो इसका वेट होगा, इट विल बी अराउंड 164 ग्राम, तो काफी लाइट वेट होगा। तो डिजाइन के मामले में आई विल से कि काफी अच्छा डिजाइन आपको ओप्पो F17 प्रो में देखने को मिलेगा। ओप्पो F17 प्रो में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, जिसका मेन सेंसर 48 मेगापिक्सल का होगा। यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल मैक्रो, 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा। अब ये जो 2 मेगापिक्सल दो कैमरा है, ये सिर्फ कैमरा काउंट बढ़ाने के लिए यूज करे जा रहे हैं, इनका ज्यादा यूज नहीं होता है। और आई गेस बहुत ही कम लोग होंगे जो मैक्रो कैमरास को यूज करते होंगे। बाकी अगर सेल्फी की बात करें तो यहां पे आपको ड्यूल सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो कि 16 मेगापिक्सल का होगा, और यहां पे भी आपको एक डेप्थ सेंसर देखने को मिलने वाला है। तो यहां पे अगर कैमरास के बारे में बोलूं तो अच्छे खासे कैमरास यहां पे हमें देखने को मिल सकते हैं। इस स्मार्टफोन में आपको मीडियाटेक का हीलियो P95 वाला प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, जो कि आई विल से डिसेंट सा प्रोसेसर है, जहां पे आपको नॉर्मल गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। अगर आपको गेमिंग ज्यादा करनी है तो ये स्मार्टफोन आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, क्योंकि इस स्मार्टफोन में आपको उतनी ज्यादा स्मूथनेस, उतनी ज्यादा अच्छी गेमिंग एक्सपीरियंस शायद देखने को ना मिले। बाकी इस स्मार्टफोन में आपको 8 GB रैम, 128 GB स्टोरेज का एक रैम वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। अब स्मार्टफोन का वेट कम करने के लिए यहाँ पे बैटरी भी कम करनी पड़ेगी, इसीलिए यहाँ पे हमें 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। बट टेंशन लेने वाली कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बॉक्स के अंदर आपको 30 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिलती है। अब सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, जिसके कारण आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा। आउट बॉक्स आपको कलर ओएस देखने को मिलेगा विद एंड्रॉइड 10। बाकी सभी बेसिक फीचर्स यहां पे हमें देखने को मिलने वाले हैं। अगर प्राइसिंग के बारे में बात करें तो वी ऑल नो कि ओप्पो अपने स्मार्टफोन को ऐसे कोई एग्रेसिव प्राइस पे लॉन्च नहीं करता है। तो एज पर द लीक्स, जो इसका प्राइस रहेगा वो अंडर 25,000 रहने वाला है, क्योंकि थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा। मैं अभी से कह सकता हूं कि जो इसका प्राइस रहेगा वो इतना ज्यादा एग्रेसिव नहीं रहने वाला, आपको अंडर 25,000 ओप्पो F17 प्रो देखने को मिलेगा। तो ये थी पूरी कहानी इस स्मार्टफोन के बारे में। आई गेस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। स्मार्टफोन चाहे अच्छा ना लगा हो, पर ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी, तो इसी बात पे एक लाइक जरूर कर देना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लविंग टेक एडवाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।